Well done, boys. Well done. काफी जबरदस्त कांटे का टक्कर, चैंपियंस ट्रॉफी अंडर 13 क्रिकेट मैच, फाइनल मैच, 52 बॉल्स रिमेनिंग, 61 रन्स टू विन। शायान अपना चौथा ओवर लेकर आ गए हैं, तीसरी गेंद लेकर एक बार फिर से अपने चौथे ओवर की भागना शुरू किया। बल्लेबाज तैयार और ये शानदार कॉटन बॉल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। शानदार मैच का खात्मा हुआ है और नव्या आई है आज मैच देखने के लिए। हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, दोपहर के ठीक एक बजे हैं और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं एक और फाइनल मैच खेलने के लिए, बैक टू बैक फाइनल मैच शायान के लिए। पिछले हफ्ते हमने विंटर कप अंडर 13 टूर्नामेंट का फाइनल जीता था और आज चैंपियंस ट्रॉफी अंडर 13 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच होने वाला है। अगर दिल्ली के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त धूप खिली हुई है, बहुत ही शानदार मौसम हो गया है। हालांकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है अगर सुबह और शाम की बात करें तो चलिए सीधा ग्राउंड चलते हैं, एक और व्हाइट बॉल मैच एंजॉय करते हैं शायान के लिए, मैच नंबर 176। शायान की जर्नी शुरू हो चुकी है एक बार फिर से क्रिकेट ग्राउंड की ओर, बैक टू बैक शायान के लिए फाइनल मैच और बैक टू बैक सेंचुरीज लगाने का मौका। तो क्या सोचते हैं शायान आज के मैच के बारे में? आज तो मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं अपनी सेंचुरीज के बारे में, आज तो मुझे अपना पूरा ध्यान बैक टू बैक टूर्नामेंट जीतने के लिए सारे एफर्ट्स लगाने हैं। ओके, बेस्ट विशेस। शायान की एंट्री हो चुकी है एक बार फिर से क्रिकेट ग्राउंड में, एक और फाइनल मैच। शायान बिल्कुल तैयार नेट सेशंस के लिए। शायान एक बार फिर से मैच से पहले, मैच की तैयारियां शुरू हो गई है। शायान अपनी टीम के साथ वार्म अप सेशंस में जुट गए हैं, एक और फाइनल मैच। माहौल बिल्कुल बना हुआ है, विकटें लगनी शुरू हो गई हैं, जबरदस्त धूप खिली हुई है ग्राउंड के ऊपर। पहला फाइनल क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 ने पिंक बॉल अंडर 13 विंटर कप टूर्नामेंट का पिछले ही हफ्ते जीता था। चैंपियंस ट्रॉफी अंडर 13 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। दोनों ही कप्तान यश और शायान ट्रॉफी के साथ मैच से पहले बिल्कुल तैयार। सिक्का उछाल दिया गया है, विपक्षी टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। 35 ओवर्स का यह मैच खेला जाएगा। क्रिकेट वंडर्स इंडिया के दो दो सितारे, क्रिकेट वंडर्स इंडिया के बैटिंग पैड्स, ग्लव्स और बैट के साथ। गाइस, आप भी अगर ये क्रिकेट गियर्स 4 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्रिकेट वंडर्स इंडिया का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज शायान और आतिफ निकल पड़े हैं मैदान के बीचों बीच फाइनल मैच का आगाज करने के लिए। शायान पहुंच चुके हैं मैदान के बीचों बीच गार्ड्स लेते हुए, मैच बॉल बिल्कुल तैयार और यश भी तैयार है आज के मैच में बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। अंपायर का इशारा हुआ, यश अपनी और इनिंग्स की पहली बॉल लेकर, शायान बिल्कुल तैयार, छोड़ दिया, वाइड से शुरुआत हुई है मैच की। एक बार फिर से बॉलर अगली गेंद लेकर भागना शुरू किया, शायान बिल्कुल तैयार और इसको करारा शॉट खेला है कवर्स के ऊपर, वहां पे डिफ्लेक्ट हुई फील्डर से बॉल, हालांकि रन की गुंजाइश नहीं, अच्छी शॉट थी। एक और नई ओवर लेकर आ गए हैं बॉलर, सामने आ गए हैं शायान और ये बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में गई और ये सीमा रेखा के पार। खुशकिस्मत रहे, पहले तो बाहरी किनारा लगा और फिर मिसफील्ड के चलते चौका मिल गया, इस तरीके से शायान का खाता खुल गया है। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से बॉलर और करारा शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे, 5 रनों पे पहुंच गए इसके साथ ही शायान। एक बार फिर से शायान बिल्कुल तैयार और यह करारा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं, अच्छी शॉट लेकिन रन की गुंजाइश नहीं। एक बार फिर से बॉलर अगली गेंद लेकर, शायान बिल्कुल तैयार और यह करारा शॉट गली की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, रन की गुंजाइश नहीं। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से बॉलर भागना शुरू किया और ये क्लीन बोल्ड कर दिया है। पहले इनिंग्स अब अपने आखिरी पड़ाव में, आखिरी की 6 गेंदे इनिंग्स की और ये
क्लीन बोल्ड कर दिया है। इसके साथ ही क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 के 7 विकेट का पतन हो गया। चार गेंदें बची हैं अब और इसको खेल दिया मिड विकेट की दिशा में। फील्डर पीछे से भाग कर आए और एक रन लेने में इसके साथ ही कामयाब हो गए बल्लेबाज। आखिरी गेंद इनिंग्स की और ये चार रनों के लिए सीमा रेखा के पार, शानदार शॉट। इसके साथ ही पहली इनिंग्स का खात्मा हो गया है और अब ब्रेक चल रहा है। इस वक्त सारे ब्रेक में कुछ खाने पीने का आनंद ले रहे हैं। पहले इनिंग्स का खात्मा हो चुका है। 252 रन स्कोर किए हैं क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 ने 35 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पे। वेल प्लेड बॉयज, आप सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और अब बारी है बॉलिंग की और फील्डिंग की, तो लग के करना है, ठीक है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज निकल पड़े हैं 253 रनों का पीछा करने के लिए। दूसरी इनिंग्स की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। कार्तिक करेंगे दूसरे इनिंग्स की बॉलिंग की शुरुआत। अंपायर का इशारा हुआ, कार्तिक अपनी और दूसरी इनिंग्स की पहली बॉल लेकर और ये मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है। चौके से खाता खुला है दूसरी इनिंग्स का। 19.4 ओवर्स का खात्मा हो चुका है। 142 रन्स कर लिए है विपक्षी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पे। अभी तीसरा विकेट गिरा है और अब मैदान पे ड्रिंक्स ब्रेक आ गया है। काफी रोमांचक और काफी कांटे का मैच चल रहा है इस वक्त। 20 ओवर्स का खात्मा हो चुका है। 146 रनों के कुल योग पे 3 विकेटें भी गिर चुकी है विपक्षी टीम की और अब शायान गेंदबाजी की कमान संभाले आ गए अपना पहला ओवर लेकर। 90 बॉल्स में 107 रनों की दरकार है अभी भी विपक्षी टीम को इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद लेकर शायान अपने पहले ओवर की और ये डॉट बॉल फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया बॉल। डॉट बॉल से शुरुआत हुई है शायान के स्पेल की। दूसरी गेंद लेकर शायान अपने पहले ओवर की और ये ऑन साइड पे खेला है। फील्डर मौजूद है हालांकि रोक नहीं पाएंगे, सीमा रेखा के पार, शानदार चौका। आखिरी गेंद लेकर शायान अपने पहले ओवर की और ये अच्छी गेंद, डॉट बॉल से खात्मा हुआ है ओवर का। बार फिर से शायान आ गए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर इस मैच में और इसको खेल दिया है और अच्छी फील्डिंग गली की दिशा में, रन की गुंजाइश नहीं। अगली गेंद लेकर शायान अपने दूसरे ओवर की एक बार फिर से और ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी देर हवा में थी बॉल, गली की दिशा में गई, एक और डॉट बॉल। शायान एक बार फिर से आ गए हैं अपना तीसरा ओवर लेकर। बहुत ही कांटे का मैच चल रहा है। 68 बॉल्स में 78 रनों की दरकार है और ये पहली कामयाबी मिल गई है शायान को इस मैच में और बड़ी मछली फंस गई है जाल में। इसके साथ ही फोर्थ विकेट का पतन हो गया है। दूसरी गेंद लेकर शायान अपने तीसरे ओवर की, पहली गेंद पे ही पहली विकेट हासिल की थी शायान ने और ये इसको डिफेंस कर दिया है, अच्छी गेंद थी। एक बार फिर से क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 की वापसी हो गई इस फाइनल मैच में, जहां धीरे धीरे विपक्षी टीम की ओर ये मैच झुकता जा रहा था। 4 विकेटें गिर चुकी है 176 के कुल योग पे। तीसरी गेंद लेकर शायान अपने तीसरे ओवर की और ये एक और शानदार गेंद, एक और डॉट बॉल। दूसरी गेंद लेकर शायान अपने चौथे ओवर की और एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल। काफी जबरदस्त कांटे का टक्कर, चैंपियंस ट्रॉफी अंडर 13 क्रिकेट मैच, फाइनल मैच। 52 बॉल्स रिमेनिंग, 61 रन्स टू विन। शायान अपना चौथा ओवर लेकर आ गए हैं तीसरी गेंद लेकर, एक बार फिर से अपने चौथे ओवर की भागना शुरू किया। बल्लेबाज तैयार और ये शानदार कॉटन बोल्ड और इसके साथ ही 5वीं विकेट का पतन हो गया विपक्षी टीम के और शायान को मिल गई है दूसरी कामयाबी। 5वीं गेंद लेकर शायान अपने चौथे ओवर की, बल्लेबाज तैयार और ये शायान को मिल गई है तीसरी कामयाबी, क्लीन बोल्ड कर दिया है। उम्दा गेंदबाजी का मुजाहिरा और क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 की वापसी हो गई है इस मैच में पूरी तरीके से। हालांकि क्रिकेट में पहले से कुछ कहना मुनासिब नहीं, अभी भी 49 बॉल्स में 61 रनों की दरकार है। विपक्षी टीम की 6 विकेटें गिर चुकी है 192 रनों के कुल योग पे। आखिरी गेंद लेकर शायान अपने चौथे ओवर की और ये सीधा हाथों में बॉल गई है और वहां पे
एक रन लेने में कामयाब हो गए। एक बार फिर से शायान आ गए बॉलिंग की कमान संभाले अपना पांचवा ओवर लेकर 42 गेंदों में तेता और ये अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल, 41 बॉल्स रिमेनिंग, 48 रन्स टू विन। जबरदस्त कांटे का मुकाबला चल रहा है यहाँ पे, चैंपियंस ट्रॉफी अंडर 13 का ये फाइनल मैच क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 और KGF के बीच। इसी बीच एक बार फिर से शायान दूसरी गेंद लेकर अपने पांचवें ओवर की, और इसको गली की दिशा में खेला है, फील्डर मौजूद हैं, रन की गुंजाइश नहीं। इनिंग्स की आखिरी 30 गेंदें बची हैं, 34 रनों की दरकार है विपक्षी टीम को। शायान अपना 6th ओवर लेकर आ गए हैं, 3 विकेटें ले चुके हैं और 3 और विकेटों की दरकार है अगर इस मैच को जीतना है। विपक्षी टीम को 34 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद लेकर शायान अपने 6th ओवर की, और ये अच्छी गेंद गली की दिशा में बॉल गई, डॉट बॉल से शुरुआत की अपने 6th ओवर की। पांचवी गेंद लेकर शायान अपने 6th ओवर की, और इसको खेल दिया गली की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद है, एक और रन का इजाफा। आखिरी गेंद लेकर शायान अपने 6th ओवर की, और इसको कवर्स की दिशा में खेला, फील्डर मौजूद, ओवर की समाप्ति। शायान के 6 ओवर का खात्मा हो गया, इसके साथ ही 38 रन खर्च किए हैं और 3 विकेट लेने में कामयाब रहे। 22 गेंदें, 22 रनों की दरकार विपक्षी टीम को, और इसको ऑन साइड पे खेल दिया है और एक रन लेने में कामयाब हो गए बल्लेबाज। गेंदें 21 रनों की दरकार, और ये शानदार फील्डिंग, और बाल बाल बचे बल्लेबाज। एक बार फिर से बॉलर, 20 गेंदे 21 रनों की दरकार, और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। 18 गेंदे 15 रनों की दरकार है विपक्षी टीम को, 3 विकेटें चाहिए क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 को, और ये एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। तीसरी गेंद लेकर शायान अपने 7th ओवर की, और इसको गली की दिशा में खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, एक रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। हालांकि अब सिर्फ 6 रनों की दरकार है विपक्षी टीम को इस मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर से शायान अगली गेंद लेकर, और ये खड़ी हो गई थी बॉल हवा में, हालांकि एक रन लेने में कामयाब हो गए बल्लेबाज, और विपक्षी टीम और एक कदम आगे इस जीत के, सिर्फ 4 रनों की दरकार है अब। पांचवी गेंद लेकर शायान अपने 7th ओवर की, और इसको थर्ड मैन की दिशा में खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद है, एक और रन का इजाफा। आखिरी गेंद लेकर शायान अपने 7th ओवर की, और ये अच्छी गेंद, डॉट बॉल से खात्मा हुआ शायान के 7th ओवर का। 50 रन खर्च किए और 3 विकेटें लेने में कामयाब रहे शायान के, एसपीएल की समाप्ति हो गई। 12 गेंदे शेष, 3 रनों की दरकार, और एक और रन का इजाफा। अब सिर्फ 2 रनों की दरकार है विपक्षी टीम को इस मैच को जीतने के लिए। और ये एक और रन का इजाफा, इसके साथ ही स्कोर लेवल हो गया है, और इसके साथ ही मैच का खात्मा हो गया है। वाइड बॉल भी करार दिया अंपायर ने, और इसके साथ ही विपक्षी टीम ने इस मैच को 3 विकेटों से जीत लिया है। बहुत ही जबरदस्त मैच खेला गया आज यहाँ पे, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच। हेलो नबू नव्या, आज एक बहुत ही प्यारी बच्ची आई है ग्राउंड पे रात के 8 बजे मैच देखने के लिए, अनबिलीवेबल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। शानदार मैच का खात्मा हुआ है और नव्या आई है आज मैच देखने के लिए, और अपने भैया को जिता के जा रही है, वेल डन। जबरदस्त फाइनल मैच का खात्मा हो चुका है, आज चैंपियंस ट्रॉफी अंडर 13 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच था क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 और KGF एकेडमी के बीच, जिसमें कि KGF एकेडमी ने 3 विकेटों से इस फाइनल मैच को जीत लिया है। बिग हैंड। बच्चों के मेहनत का वक्त खत्म हो चुका है और अब इनाम की बारी है। आज के मैच के बेस्ट बैट्समैन को हम बुलाना चाहेंगे, वैभव कुमार, शानदार सेंचुरी स्कोर की, वेल प्लेड वैभव।
अब मैं बुलाना चाहूंगा आज के बेस्ट बॉलर को, श्रेयांश, बेहतरीन गेंदबाजी। इस मैच में फाइटर ऑफ द मैच की बारी है और नव्या आई है आज फाइटर ऑफ द मैच का इनाम देने के लिए। शायान जमाल आज के फाइटर ऑफ द मैच, शानदार 3 विकेट। आज के मैच के बेस्ट इनाम की बारी है अखिल, शानदार सेंचुरी, मैन ऑफ द मैच आज के फाइनल मैच के लिए। और इस टूर्नामेंट में सभी बच्चों ने बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुशायरा किया, लेकिन इस टूर्नामेंट के जो बेस्ट फील्डर है वो आतिफ मलिक, बिग हैंड, वेल डन आतिफ, क्रिकेट वंडर्स इंडिया की तरफ से। बॉलर्स ने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा किया, लेकिन अगर हम बात करें बेस्ट बॉलर की, तो आज के जो बेस्ट बॉलर है वो है पीजे, बिग हैंड, बहुत ही जोरदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। बहुत सारे बैट्समैन है, मैं कितनों का नाम गिनाऊं, लेकिन उसमें से एक जो बेस्ट है वो है वंश शर्मा। वेल प्लेड वंश। टूर्नामेंट का खात्मा हो चुका है, ऑलमोस्ट सारे ट्रॉफीज बट चुके हैं, लेकिन आज के जो बेस्ट प्लेयर पूरे टूर्नामेंट के रहे हैं, एनी गेस, वीएस कुमार, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वैभव कुमार, बिग हैंड, रनर अप टीम के मेडेलियंस, तालियां बजते रहनी चाहिए यार, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। विनर टीम के लिए मेडल्स। टूर्नामेंट का खात्मा हो चुका है, आज की जो रनर अप टीम है वो क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11, शायान जमाल को बुलाना चाहूंगा, कैप्टन क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11, रनर अप ट्रॉफी, बिग हैंड। अब मैं बुलाना चाहूंगा विनर टीम के कैप्टन, यश, मैच का खात्मा हो चुका है और अब घर की ओर वापसी हो चुकी है शायान की। आज शायान रनर अप रहे, हालांकि बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी बीच के बल्लेबाजों ने की और 252 रन स्कोर कर दिया था, और शायान की बहुत ही उम्दा गेंदबाजी रही, लेकिन उसके बावजूद भी इस टूर्नामेंट को जीतने में नाकाम रहे, और शायान को मिली है ये शानदार रनर अप की ट्रॉफी। 3 लगातार मैच जीतकर फाइनल में पहुंचे थे शायान और शायान की टीम क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11। आज शायान को मिली रनर अप ट्रॉफी और फाइटर ऑफ द मैच शानदार गेंदबाजी के लिए। तो गाइज, उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दें, और अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।